कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखला गई है। आगामी 20 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, लेकिन इस यात्रा से पहले ही यात्रा से संबंधित डॉक्टर गोविंद सिंह की यात्रा में जिस तरह से एक व्यक्ति कट्टा लेकर प्रवेश कर गया और गोली चलाई, उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार जानबूझकर यात्रा को समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा रही है। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने शिवराज सरकार पर लगाई हैं। सभी नेताओं ने कहा कि यह घटना ठीक उसी दिन हुई है जिस दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इंदौर में आधिकारिक रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और पूरे कार्यक्रम को सार्वजनिक किया। इसे सिर्फ सहयोग नहीं माना जा सकता। सभी नेताओं ने आशंका व्यक्त की है कि राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो भारतीय जनता पार्टी असामाजिक तत्वों के माध्यम से यात्रा में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। नेताओं ने कहा कि सत्ताधारी दल होने के नाते भाजपा की यह जिम्मेदारी है कि वह जिम्मेदारी से अपना काम करे और भाजपा सरकार राहुल गांधी की यात्रा को निर्विघ्न सम्पन्न होने दे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करे और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में असामाजिक तत्वों का प्रवेश न होने दे। लेकिन जिस तरह के बयान भाजपा सरकार के मंत्री दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वह कानून व्यवस्था बनाने की बजाय कानून व्यवस्था बिगाड़ने का इरादा रखते हैं। नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी भारत के इतिहास की सबसे लंबी पदयात्रा निकाल रहे हैं और इससे पूरे देश में एक नया जोश है। मध्य प्रदेश में भी यात्रा 350 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेगी। 20 नवंबर से माननीय राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रारंभ होगी। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था उनको चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है, उनकी सुरक्षा में चूक न हो। इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, अगर कोई घटना अगर राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। कल भिंड जिले में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी की भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उस यात्रा पर हमला किया गया और गोली चालन भी हुआ है। मध्य प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है और ऐतिहासिक लोग उनकी भीड़ उनकी यात्राओं में सम्मिलित हो रहे हैं, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में भी जो भिंड में हुआ, ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भी बौखलाहट है। और मुझे पूरी आशंका है कि जो भारत यात्रा राहुल जी की 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आने वाली है, उस दरमियान भी कोई इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में ना हो। मैं प्रदेश की सरकार को और विशेष रूप से गृह मंत्रालय के मंत्री जी को चेता देना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा के दरमियान इस तरह की कोई घटना ना हो, ये जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये पूरी जिम्मेदारी ले कि उनकी सिक्योरिटी की पूरे पूरा ख्याल मध्य प्रदेश सरकार रखेगी और शांतिपूर्वक ये यात्रा मध्य प्रदेश में निकलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उनको यात्रा को, पूर्ण बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में है। कल भिंड जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब यात्रा ग्वालियर सीमा पर पहुंचने वाली थी, उस समय ही किसी व्यक्ति ने वहां पर फायरिंग करने का प्रयास किया था, जिसके बारे में डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कल उल्लेख किया है। जैसे ही राहुल जी की यात्रा जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, जैसे ही मध्य प्रदेश के पास आ रही है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो शायद प्रयास करेंगे कि कोई विपरीत घटना हो जाए। और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मूल संदेश है कि पूरे देश में प्रेम सद्भाव रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, तो ऐसे समय में अगर कोई विपरीत घटना होती है तो इससे बहुत खराब संदेश जाएगा मध्य प्रदेश के प्रति। मेरा विशेष आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि जब राहुल गांधी जी प्रवेश करेंगे 20 तारीख को मध्य प्रदेश में, लगभग 2 हफ्तों के लिए उनकी यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी, ऐसे समय पे
जिम्मेदारी बनती है प्रदेश सरकार की, हर व्यक्ति की, कि माहौल मध्य प्रदेश में उस समय सकारात्मक रहे, क्योंकि आखिर जिन राज्यों में राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं उन राज्यों में कोई चुनाव भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राहुल जी का एक ही संदेश है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और इसी आधार पे हर व्यक्ति जो पूरे मध्य प्रदेश में आज के समय पैदल चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में जो यात्रा निकाल रहे हैं, सबका संदेश एक ही है कि हम सब एकता के साथ रहें, सद्भाव के साथ रहें, और हमेशा हर समाज में हर धर्म में मित्रता रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा।